माउंट आबू से गुरु शिखर जाते वक्त माउंट आबू से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर और दिलवारा टेंपल से लगभग 1 किलोमीटर दूर आता है ट्रेवर्स टैंक। ट्रेवर्स टैंक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर काफ़ी कम पर्यटक आते हैं वैसे, लेकिन अगर आप किसी भी तरह के वाइल्ड लाइफ लवर हैं या नेचर लवर हैं और आप सुकून के पल गुजारना चाहते हैं तो आप ट्रेवर्स टैंक आ सकते हैं। माउंट आबू में लगभग जितने भी बड़े स्पॉट्स हैं, डेस्टिनेशन है, गुरु शिखर हो, चाहे अचलगढ़ हो, चाहे टॉड रॉक हो, ये जितने भी डेस्टिनेशन है सब सीढ़ियों वाले डेस्टिनेशन है। हर जगह 250-300 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होती है और कुछ हद तक थका देने वाला डेस्टिनेशन है। अगर वो सब करने के बाद आपको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए तो आप ट्रेवर्स टैंक में आके 2 घंटे रुक सकते हैं। अंदर एक तालाब है, उसमें कुछ क्रोकोडाइल्स भी है, अगर आप लकी रहे तो वो क्रोकोडाइल्स नज़र भी आएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से इस गेट से हम अंदर जाते हैं और 1.5 किलोमीटर आगे वो तालाब है और काफ़ी अच्छा एक व्यू पॉइंट भी है वहाँ पर। यहाँ से गाड़ी भी जा सकती है, आप गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं। 275 कार का कॉस्ट है, 75 रुपीज़ आप जो एडल्ट है उनका प्राइस है। तो यहाँ अगर गाड़ी लेकर ना आना चाहे तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से, वो भी खूबसूरत ट्रैक है। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है लेकिन हाँ, जगह बहुत खूबसूरत है। तो आपको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर ज़रूर आए। ट्रेवर्स टैंक में अंदर आ चुका हूँ और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ से मैं आया था, वहाँ से गेट है, 1.5 किलोमीटर हम बाय कार आए, उसके बाद वहाँ से एंट्री की और ये पूरा तालाब है। इसके अंदर काफ़ी मगरमच्छ है। मेरे साथ साथ आज आप भी लकी हैं, मैं कोशिश करता हूँ। एक मगरमच्छ वहाँ पर बैठा है तो चलिए देखते हैं। ये हर तरफ देखिए आप, माउंटेन्स, ग्रीनरी, एक बहुत प्यारी प्लेस है। अगर वाइल्ड लाइफ लवर है तो यहाँ आना कभी मत भूलना। और लकी रहे तो शायद कोई वाइल्ड लाइफ, कोई लेपर्ड या कोई भालू वगैरह भी दिख सकता है, हालांकि उसके चांसेस सर्दियों में कम होते हैं। दोस्तों आज लक अच्छा है कि एक अच्छा खासा बड़ा मगरमच्छ देखने मिल रहा है। वहाँ देखिए, मेरे पास जूम लेंस नहीं है वरना आपको और क्लियर इमेज मिलती। बाकी वो देखिए, अगर थोड़ा सा जूम करने का मैं ट्राई करता हूँ, वो देखिए बिल्कुल डेड बॉडी की तरह सोए पड़े रहते हैं ये, सन बास्किंग करते हैं और अक्सर इसी जगह पर दिखते हैं। ब्यूटीफुल। कैमरा जूम से तो आपको इतना नज़र नहीं आया होगा, जूम लेंस नहीं है तो मैंने एक ट्रिक लगाई है। मेरे पास बाइनोक्यूलर्स है, आपके पास बाइनोक्यूलर्स हो तो ज़रूर यहाँ पर लेके आएँ। बाइनोक्यूलर से मैं ट्राई करूँगा कि आपको मोबाइल के ज़रिए एक कॉम्बिनेशन दोनों का बना के बाइनोक्यूलर से आपको दिखाऊँगा, काफ़ी क्लियर इमेज मिलेगी आपको। देखिए वहाँ सामने बंदर भी काफ़ी है। वैसे हम घूम के उस तरफ बिल्कुल पास में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर पास में गया तो वो मगरमच्छ पानी में चला जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको यहीं से दिखा दूँ। ये देखिए, ट्रेवर्स टैंक में मैं डीप जंगल के अंदर आया हूँ। जंगल के अंदर मैंने सोचा कि क्रोकोडाइल को ज़रा करीब से दिखा दूँ, आप लोग अच्छे से देख पाएँ, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक तो ये डीप जंगल है और मैं ही हूँ यहाँ पे, और कोई है नहीं, और सिर्फ चारों तरफ आप देख सकते हैं बंदर ही बंदर है जो पूरे अटैकिंग मोड पर है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे आगे जाने देंगे। हर पेड़ पे, यानी हर पेड़ पे दो चार बंदर हैं यहाँ पर, और नीचे भी हर जगह
बाकी व्यू तो बहुत ही शानदार है। ये है असली माउंट आबू। अगर आप माउंट आबू आते हैं ना, तो ये जो डीप जंगल का जो एक्सपीरियंस है, वो अगर कहीं कोई आपको ले जाए और पूरी सेफ्टी के साथ आप जा पाओ, तो ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो ये अरावली के ट्रेवल्स टैंक में मैं हूँ, और माउंट आबू में ये बिल्कुल जंगल का भीतरी इलाका है पूरा। आप भी कहीं पर भी जाते हैं, अगर कोई भी आप हिल स्टेशन जाए, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं भी जाएं, तो किसी भी डेस्टिनेशन को आउटर एक्सप्लोरेशन से ज़्यादा उसके भीतर बहुत कुछ छुपा होता है, और ये यहाँ पर आपको पता चलेगा आके। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ अंदर इस तरह का एक्सप्लोरेशन ज़रूर करें। सिर्फ एक ही मेरी टिप है कि अकेले ना रहें, कम से कम 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर साथ में रहें, क्योंकि यहाँ देखिए किसी भी वक्त कोई भी आपको वाइल्ड लाइफ दिख सकता है जो ख़तरनाक हो सकता है। अभी तो हर तरफ सिर्फ बंदरों की आवाज़ मुझे आ रही है, और बहुत बड़ी तादाद में बंदर हैं यहाँ पर। देखते हैं और क्या है आगे। तो जगह तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि थोड़ा सा ख़तरा भी महसूस होता है। मैंने छोटी लकड़ी फेंक के ये बड़ी वाली लकड़ी ले ली है, लेकिन वाकई में चिड़ियों की आवाज़, इतनी शांति, और शायद ही किसी जगह पर मिले। आगे कुछ पानी नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या है। माउंटेन से आता हुआ पानी होगा, ये बारिश में काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन फ़िलहाल तो कम है। ये देख रहे मकड़ियों के जाले। तो देखते हैं, जंगल में आप ट्रैकिंग करते हैं तो लकड़ी तो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो छोटे मोटे जानवर से आपका बचाव करेगी, दूसरा ये जो पेड़ पौधे हैं इनको हटाने में मदद करेगी, और तीसरा आपको चलने में सपोर्ट भी देगी। तो ये देखिए, एक माउंटेन से पानी आता है यहाँ पर, ये तो जमा है, बारिश में काफ़ी तेज़ी से बहता होगा यहाँ पर। चलिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीप जाना अच्छा नहीं है। आप भी जब भी आते हैं तो एक्सप्लोर कीजिएगा चीज़ों को, लेकिन ये है कि जो वहाँ की अथॉरिटीज़ है, जैसे कि मैं पूछ कर आया था, आप भी उनसे परमिशन लेके उन्हें बता कर आए कि आप कितनी दूरी तक जाने वाले हैं, और अगर वो आपको हाँ कहे तब भी आप अंदर जाएं।